हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आप लोगों का मेरी चैनल पर। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने पुराने कुशन कवर को रीयूज करके एक बहुत ही सुंदर बेड साइड रनर बनाया है। देखिए, ये तीन कुशन कवर हैं जो मेरे ख़राब हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैंने इसके चैन को निकाल दिया। इस तरह से देखिए, ये सारे कुशन कवर के चैन को मैंने निकाल दिया है। इसके अलावा भी मेरे पास तीन और कुशन कवर हैं जो अलग डिज़ाइन के हैं, उसके भी चैन को मैं निकाल लूँगी और उसे भी बीच से चैन जहाँ से मैंने निकाला है वहाँ पे सिलाई कर लूँगी। तो ये वो है दूसरा वाला कुशन कवर, ये भी तीन है। तो इसके भी मैंने पहले चैन को निकाल लिया है, ये भी काफ़ी पुरानी हो गई है और चैन वाले जगह काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो मैंने इसे रीयूज़ करने को सोचा और इसका रनर बनाने को सोचा। तो यहाँ से देखिए, मैंने चैन को निकाल लिया और चैन वाले जगह पे मैंने हाथ से सिलाई कर ली, यानी हाथ की सुई से सिलाई कर ली। तो देखिए, यहाँ जो खुला हुआ हिस्सा है इसे हाथ से सुई से सिलाई कर लेना है। मशीन से सिलाई नहीं हो पाएगी क्योंकि ये बीच का हिस्सा है, बीच में सिलाई आ जाएगी, तो हाथ से ही सिलाई करनी है। तो इस तरह से मैंने सारे कुशन कवर यानी 6 कुशन कवर को सबसे पहले चैन वाले जगह पे सिलाई कर लिया और अब इसे अरेंज करना है जिस तरह से मुझे डिज़ाइन चाहिए 6 कुशन कवर को मिला के। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से इसे अरेंज किया है, दो डिज़ाइन को अलग अलग कर रख के। आप चाहे तो एक साइड में एक डिज़ाइन और एक साइड में एक डिज़ाइन को भी रख के कर सकते हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं, वैसे भी अच्छी लगेगी। इस तरह से कुशन कवर को अरेंज करने के बाद अब बारी आती है इसे जॉइंट करने की यानी सिलाई करने की। तो इसे अच्छे तरह से अरेंज करके इसे हाथ की सुई से सिलाई करनी है क्योंकि मेरे कुशन कवर का जो साइड का हिस्सा है बहुत मोटा है। अगर आपके कुशन कवर जो आपका रनर बनाना है, अगर उस कुशन कवर की साइड का हिस्सा पतला हो तो आप सिलाई मशीन से कर सकती हैं। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से साइड में हाथ की सुई से सिलाई कर लिया है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने तीन को पहले जॉइंट किया है और अगले तीन को भी इसी तरह से सेम प्रोसेस से हाथ की सुई से सिलाई कर लिया है। तो अब ये देखिए, ये दूसरा हिस्सा है, इसे भी मैंने सेम प्रोसेस से सिलाई कर लिया है और अब इसके बीच के हिस्से को सिलाई करेंगे। तो इसे अच्छे से सेट करते हुए हाथ की सुई से सिलाई करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, ये हिस्सा काफ़ी मोटा है तो मशीन से नहीं सिलाई कर सकते क्योंकि मशीन से सिलाई होगी भी नहीं और मशीन का सुई टूट जाएगा। तो ये देखिए, सिलाई करने के बाद कुछ इस तरह का लुक आ रहा है और अभी इसका थोड़ा काम बाकी है, लेकिन फिर भी ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो इसके पीछे का हिस्सा टाइल्स पे स्लिप ना हो, इसके लिए इसके पीछे के हिस्से पे कोई भी पुराना बेडशीट का कपड़ा या फिर कोई भी पुराना कपड़ा जो इस साइज़ का हो, आप उसे लेकर इसके पीछे लगाना है। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसे सबसे पहले इस नाप का बेडशीट के कपड़े को काट लिया और अब इसे साइड से सिलाई करेंगे। तो इसे मशीन से ही सिलाई करेंगे क्योंकि हाथ से सिलाई करने में काफ़ी टाइम भी लग जाएगा, तो धीरे धीरे साइड से मशीन से ही सिलाई करनी है। और हम इसे चाहे तो साइड से नहीं भी सिलाई कर सकते, बीच से सिलाई करेंगे जिससे सुई टूटे नहीं। तो एक क्लिप मेरा मिस हो गया है जिसमें मैंने नहीं दिखाया कि मैंने किस तरह से चादर को लगाया है, बेडशीट को लगाया है। तो देखिए, मैंने अब बेडशीट के कपड़े को लगा दिया है और अब मैं उसके बाद का ये क्लिप आप लोगों को दिखा रही हूँ कि अब इसे और अच्छे से थोड़ा मजबूत करने के लिए, यानी कपड़ा सिकुड़े नहीं, बीच में सिकुड़न नहीं आए क्योंकि साइड से सिलाई है बेडशीट के। तो अब इसे बीच से, आप चाहे तो ये स्क्वायर स्क्वायर जैसे कुशन कवर है उसके बीच से भी सिलाई लगा सकती हैं या फिर आप इसे बीच से भी ट्राइंगल शेप से भी सिलाई लगा सकती। इस तरह से देखिए, जिस तरह से मैं उंगली का इशारा कर रही हूँ, उंगली दिखा रही हूँ, उसी तरह से आपको सिलाई लगानी है। तो इस तरह से मैं सारे कुशन कवर में यानी 6 कुशन कवर में इस तरह से ही बीच के हिस्से में सिलाई लगाऊंगी ताकि ये रनर बहुत अच्छा और मजबूत हो जाएगा जिससे सिकुड़ेगा नहीं और पीछे का बेडशीट आराम से बराबर इसके कुशन कवर में बैठ जाएगा। तो चलिए, मैं आप लोगों को सिलाई करके दिखाऊंगी एक बार में अच्छे से। तो ये देखिए, मेरा कुशन कवर से बना हुआ रनर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं, ये मैंने बेड साइड में लगा दिया है और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। और पुराने कुशन कवर से इतना सुंदर रनर बन सकता है।
ये शायद ही कभी आपने सोचा होगा। तो इसे कुशन कवर के रूप में यूज़ करने के बाद मैंने बेड साइड रनर के रूप में भी यूज़ कर लिया। इससे अच्छी बात क्या होगी। तो ये आप ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत पसंद आएगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल बटन नज़र आएगा, उसे हिट ज़रूर करें ताकि मेरे फ्यूचर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।